जरूरत पड़ सकती है। ये तो मोगैम्बो वाला भाषण देते हैं, बाबाओं के नाम अलग अलग होते हैं। अब योगी जी को कोई योगी जी कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बुलडोजर बाबा कहता है। आज मैंने नया नाम दे दिया, बाबा मोगैम्बो वाले। क्या है? बाबा मोगैम्बो वाले। तो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी किसी ने? यहां बच्चों ने देखी थी? ऐसा वोट दो 7 तारीख में, क्या आपका काम भी हो जा और मिस्टर इंडिया की घड़ी बाबा जी को पहना के प्रदेश की राजनीति से उनको गायब कर दो। आवाज नहीं आ रही, माइक की दुरुस्त करना पड़ेगा। आवाज आगे नहीं आ रही, इसे दिखवा लो। मुद्दे आपको पता है, कानून व्यवस्था पे बड़ा दावा करते हैं। सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था सुधारनी है तो जो वर्दी पहने हमारे जवान हैं इनका भी ख्याल रखना होगा। जो सरकार के नौकर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनकी वर्दी की पहचान हो। अपने वर्दी के असूलों से, सिद्धांतों से उन्हें कभी समझौता ना करना पड़े, ईमानदारी से वो सेवा कर पाए। और मैं इन पुलिस कर्मियों को याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह ने देश में पहला पुलिस आयोग का गठन किया था और जब जब उन्हें मौका मिला बहुत सख्त प्रशासन उन्होंने दिया। जनता को याद होगा जब चौधरी साहब को मौका आपने दिया था, एक बार संकट की घड़ी पैदा हुई, 27,000 पटवारियों को बाहर करके उन्होंने लेखपालों की जब भर्ती की, कोई नहीं सोच सकता था ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। लोग कह रहे थे दबाव बनाओ तो चौधरी साहब झुक जाएंगे। और इस क्षेत्र में उस समय की कहावत है चौधरी साहब को लेके कि चरण सिंह धान पछोरलन बिना टूट कूटले, चरण सिंह धान पछोरलन बिना कूटले, पटवारी बस्ता रखी दहलन बिना पूछ ले। इसी क्षेत्र की कहावत है। हर 23 दिसंबर को जब अखबार पढ़ता हूं बना